शेरवानी। कोरोना योद्धा के ऊपर पुष्प वर्षा कर शहरवासियों ने किया उनका स्वागत, बढ़ाया हौसला। लॉकडाउन और कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने के चलते शहर में इस वक्त प्रशासन के लोगों को दिन रात मेहनत करना पड़ रही है। उनकी इसी मेहनत को देखते हुए आज शहर के भारूड मोहल्ला कालिका माता मंदिर पर पुलिस, स्वास्थ्य और प्रशासन के अमले पर राजेश गोटवाल और धनगर युवा शक्ति और धनगर समाज के लोगों द्वारा पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों का कहना है कि हमारे लिए ड्यूटी कर रहे लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए हमने यह कदम उठाया है। सेंधवा युवा ग्रुप द्वारा राशन किट बनाकर गरीब और जरूरतमंदों को किया जा रहा है वितरण। संस्था के लोगों का कहना है कि लॉकडाउन के चलते गरीबों को होने वाली समस्या के चलते यह राशन किट बनाए गए हैं और इनका वितरण आसपास के क्षेत्रों और जरूरतमंद लोगों को किया जा रहा है। संस्था के लोगों द्वारा बाकायदा इसके लिए पहले ही सर्वे कर लिया गया है कि कौन जरूरतमंद है। इस राशन किट में दाल, तेल, शक्कर, अचार सहित 9 आइटम के 300 किट बनाए हैं और इसका वितरण किया जा रहा है। इसके पूर्व भी सकल जैन समाज द्वारा 400 राशन किटों का वितरण किया जा चुका है। संस्था द्वारा आगे भी जरूरत के हिसाब से कार्य को जारी रखा जाएगा। सेंधवा ग्राम पीपलधार में मेकिनिंग नगर वाले इलाके में युवाओं ने घर घर जाकर छिटका सैनिटाइजर। युवाओं द्वारा स्थानीय सरपंच से मांग कर दवा लाई गई थी और सैनिटाइजर बनाया गया था और गली गली में घूमकर घर घर जाकर सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। युवाओं का कहना है कि इस तरह कोरोना के संक्रमण से बचा जा सकेगा और उनके क्षेत्र में कोरोना नहीं फैलेगा। युवाओं की इस काम को लेकर मोहल्ले वासियों ने भी खूब सराहना की है और युवाओं का कहना है कि आगे भी इस काम को जरूरत के अनुसार जारी रखेंगे। बीजासन बाहरी प्रदेशों से आने वाले मजदूरों और लोगों को मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की बॉर्डर पर रोका जा रहा है। यूं तो प्रशासन द्वारा इनके खाने और रुकने की व्यवस्था की जा रही है, बावजूद इसके कई लोग प्रशासन की व्यवस्था से नाराज दिखाई दिए। कई लोगों का कहना है कि ठहरने और खाने की यहां ढंग से व्यवस्था तक नहीं है। वहीं बड़ी संख्या में मजदूर पैदल भी चलकर यहां तक पहुंचे हैं और अपने घर जाना चाहते हैं। उनका यह भी आरोप है कि प्रशासन द्वारा उचित व्यवस्था नहीं की जा रही। वहीं बड़ी संख्या में जिस तरह लोग बॉर्डर तक पहुंच रहे हैं वह महाराष्ट्र सरकार पर भी सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर प्रतिबंध के बावजूद लोग यहाँ तक कैसे पहुँच रहे। खरगोन के ज्योति नगर निवासी जिस व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है वह व्यक्ति सेगांव के पास केशपुर के मूल निवासी है और उनका अंतिम संस्कार गांव में हुआ था और अंतिम संस्कार में उनके परिवार सहित 10 से 15 लोग शामिल हुए थे। मृतक की रिपोर्ट आने के बाद ही प्रशासन हरकत में आ गया है और गाँव को पूरी तरह सील कर दिया गया है और कॉन्टेक्ट में आए लोगों की जाँच की गयी। इसके साथ ही मृतक की पत्नी, पुत्र और भांजी को आइसोलेट कर दिया गया। साथ ही अंतिम संस्कार में शामिल लोगों की जाँच की गयी है लेकिन किसी में भी किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं पाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार, बीएमओ और जनपद पंचायत सीईओ सहित बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। अधिकारियों द्वारा लोगों को गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई है।